तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं, आज संडे का दिन है और मैं मेरा ट्रेनर के साथ, मतलब मैं मेरा लुकाकु के साथ पूरा रेडी हो चुका हूँ। 6:20 हो गया है, तो आज मैं इधर से अकेला ही जाने वाला वाला, क्योंकि आज XBHP का मीटअप है और सेकंड है टीम RPM जो है बंगाल का। टीम RPM से मेरे को इनवाइट मिला है कि आज वो लोग का जर्सी कुछ लॉन्च होने वाला है, तो उधर भी जाऊँगा। वो पहले मैं जाऊँगा आज़ाद हिंद NH2 गोपालपुर, और उसके बाद जाऊँगा दमदम चिनार पार्क। तो पहले चलते हैं आज़ाद हिंद और मिलते हैं रास्ते पे। আমি চালাব কোন তাড়াতাড়ি আছে স্যার হবে না আমার তো এই তো হেলমেটের দোকান ওই হেলমেট হ্যাঁ একদিন দিস আচ্ছা অবশ্যই অবশ্যই দেব এখন যাই স্যার একটু তাড়াতাড়ি আছে যাব আজ বাবা 17 লাখ টাকা এই এটা 17 লাখ টাকা দাম বাবা ও চার চাক হয়ে যাবে যে সেকেন্ড হ্যান্ড কিনেছি সেকেন্ড কিনেছি কত দিয়ে সেকেন্ড হ্যান্ড 10.5 মতো পড়েছে 10.5 লাখ হ্যাঁ সেকেন্ড হ্যান্ড দাম কত 17 লাখ 17 প্লাস পড়ে যাবে দুদিকে একদিন দিস যাব কোন আছে ঠিক আছে অনেক আজ রোজ কোথায় যাবে আজ যাব NH2 NH2 ওই বর্ধমানে দিকে যাব ওই সব যায় আর সব বন্ধ হ্যাঁ রাইডিং করি হ্যাঁ না না কোনো কোম্পানি নাই এমনি প্রফেশনাল একাই রাইড করি আমার রবিবার দিনও যাই প্লাস আমি বাইরেও ট্যুরে যাই আমার নর্থ ইন্ডিয়া পুরো কমপ্লিট না এটা নিয়ে না KTM আছে KTM নিয়ে গেছি তো গাইস বাউরিয়া কা পুলিশ লোক আজ মেরে কো পকড়া থা और पकड़ के पूछ रहा था बाइक का डिटेल्स वगैरह, तो क्या बाइक है, कितने स्पीड भागता है, जो एक सर है सर को मैं बता रहा था। हमें बर्धमान जाबो बर्धमान जाबो आरो सब ओदिक दिए जाबे आसी बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को गाइस, बहुत दिन बाद राइड पे निकल रहा हूँ आज़ाद हिंद पे, मतलब NH2 आज़ाद हिंद पे सबका साथ आज जाने वाला हूँ गाइस। बहुत बहुत मजा गाइस, ये है डानकुनी टोल प्लाजा, बाइकर्स के लिए एक मशहूर प्लेस मीटअप करने का। ऑफ रोडर भैया लोग भी है बहुत सारा। तो ये भैया ही फोन कर रहा था इतना टाइम से। हाँ ना 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 ता तो तातारी पहुँचा ही दाना ने अच्छा हार तार पर बोलो ना ना चले जावे। तो गाइस मैदान अभी पूरा खाली हो चुका है और दोस्त लोग सबको निकल गया, मेरे को ग्लास पहनते पहनते इतना लेट हो गया है। तो गाइस चलिए अभी निकलते हैं। इधर खड़ा था मेरे लिए थैंक्स। तो अरे भाई यार तो बहुत एक्साइट हो गया है मेरे को भी ना थोड़ा थोड़ा मन कर रहा है कि थोड़ा फॉर्च्यूनर उसका चलाओ। फॉर्च्यूनर मैं एक बार भी नहीं चलाया हूँ, लेकिन मैं अभी गाड़ी में हूँ, फॉर्च्यूनर कैसे चलाओ बताओ।
मन तो कर रहा है थोड़ा सा फॉर्चुनर चलो थोड़ा सा, मगर होगा नहीं। इधर सब ऑफ रोड भैया लोगों ने खड़ा है, मतलब जा रहा है। ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऑफ रोडिंग, पूरा अल्टीमेट लेवल का होता है, पूरा अल्टीमेट लेवल का होता है ऑफ रोडिंग का। रिएक्शन देखिए गाइस, बहुत रिएक्शन हो रहा है बास के ऊपर। हम लोग इस तरह ये वो कर रहे हैं ना, तो बास के ऊपर बहुत ही बड़ा बहुत अच्छा रिएक्शन हो रहा है। तो सब भाई लोगों को देखिए और चैनल को है सब्सक्राइब करना, ये चैनल है मेरा, लेकिन अभी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाओगे। सो जो भी हो, मेरे को अभी तो इधर से भागना है। दिन बाद भाई भाई ये तो बहुत दिन बाद सबको के साथ मीटअप हो रहा है। बहुत सारा सुपर बाइक भी है, लेकिन मैं क्या बाइक रखूँ, मैं ख्याल नहीं कर पा रहा हूँ ध्यान से। तो हम लोग चलिए इधर ही रखते हैं सबको, जैसे एक साथ घुसे हैं तो एक साथ सबको मिलके एक साथ रखते हैं इधर। आज मेरे घर से आज़ाद हिंद जो एनएच2 है पूरा 75 किलोमीटर हुआ है। मैं क्या होता है हर बार खाने का ब्लॉग बनाना भूल जाता हूँ, तो आज याद आया खाने का ब्लॉग बनाना चाहिए। सब सब दोस्त लोग बैठे विशाल भाई गाइस सबको देखिए। तो गाइस अभी खाना पीना सब कुछ हो गया है, ब्रेकफास्ट भी हो गया, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और कुछ थोड़ा बहुत फोटोशूट वगैरह हो जाएगा और उसके बाद हम मैं निकल जाऊंगा टीम आरपीएम का जो टी शर्ट लॉन्च होने वाला है। तो उसके लिए मैं जाने वाला हूँ किधर 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 दमदम चीनार पार्क, एनपी और नो भैया का जो डिटेलिंग एक्सप्रेस है उधर होने वाला है वो प्रोग्राम, तो उधर ही जाने वाला हूँ। तो चलिए कुछ देर बाद इधर से निकलते हैं, सबको एक साथ चला जाएगा लेकिन मैं ही सिर्फ उधर जाऊँगा। Guys, Pusa. Guys, मेरा वाला बंदा वील लेके बोले, बाद में बता दे। टाका दीता वे सिजल के टाका दीता वे ना तो वो ना स्पॉन्सर भाई सुमित। रोड कंडीशन इतना ख़राब करके रखा है ना, देखो मतलब ट्रक वगैरह ही होगा शायद, या रोड का काम चल रहा था इसलिए इतना, मतलब देखिए इतना ख़राब कंडीशन हो गया ना कि रोड का ऊपर पूरा स्टोन चिप वगैरह, बड़ा बड़ा स्टोन चिप वगैरह पड़ा हुआ है। अगर इस पर अगर बाइक का टायर स्किड करेगा ना तो मतलब फिसलने, इतना जोर से फिसलेगा ना तो कोई चांस नहीं रहेगा रुकने का, अगर कोई ब्रेकिंग किया तो। तो अभी आप पहुँचे हो पाली ब्रिज पे। गाइस दमदम घुसते ही बहुत सारा जैम लगा हुआ है, मैं भी पूरा थक गया हूँ। एक्चुअली सिटी राइड में ये सब लेके निकलने का नहीं तो बहुत थक जाओगे, खास करके गर्मी में। तो अभी गर्मी भी बहुत है, सीज़न तो रेनी है मगर बहुत गर्मी है आज, इतना जान नहीं पा। अच्छा मैंने एपिलो टायर शोरूम टा कुछ अच्छा सार्विस रोड डान दिखे और पास ही डिटेलिंग एक्सप्रेस हो जाएगी टायर शोरूम टायर शोरूम, ठीक है थैंक यू। यहीटा ही हो बोले सर्विस रोड धर के जाना पड़ेगा, इतना पसीना क्या बोलूँ गाइस, एक हफ्ते का पसीना एक दिन में निकल रहा है। डिटेलिंग एक्सप्रेस तो इधर से जाना पड़ेगा, ठीक है कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो रास्ता काफ़ी ख़राब है।
ठीक है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इधर से जाने के लिए। फाइनली बहुत दिन बाद आया हूँ, काली अनुदान लिया है ये देखिए। हेलो अच्छा, हाँ सुनीत सुनीत के फोन करे थी। थैंक्स थैंक यू सो मच। आई गेम है पूरा चांद भैया के इधर जो जो होता है उसका मैं पूरा लिस्ट दिखा रहा हूँ। देखिए गाइस, आशी दादा टाटा, आशी टाटा, ओके ओके। सबको ही है, सबको इसे मिल के बहुत अच्छा लगा, खास करके एनविदा सुनीत जो मेरा पुराना लद्दाख का पार्टनर था ना, जो मेमोरीज है वो बता रहा था कि लद्दाख में हम लोग जाके किस तरह मतलब फन किए, किस तरह मज़ा किए, तो बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। सच बोलो तो ये मतलब सुपर बाइक लेके मेरा पहला किसी इवेंट है, और थैंक्स टू टीम RPM जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरा एक रिलेटिव के घर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, या गाइस ये बेलगोरिया एक्सप्रेस है। थोड़ा शाम के बाद इधर बहुत दोनों तरफ बहुत बाइकर्स लोग आते हैं, अड्डा सड्डा मारते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो मैं इधर नज़दीक में रहता तो मैं भी इसी रोड के साइड में अड्डा सड्डा मारता, लेकिन मैं दूसरा इधर से बहुत दूर रहता हूँ। पाँच बज के कौन मिनट मतलब 6 बजे करीब मैं घुस चुका हूँ, लगभग 1 ही घंटा लगा है मेरे को, लेकिन थोड़ा बहुत रास्ते पे डिस्टर्बेंस और जैम हुआ था। जो भी हो, आज का राइड बहुत ही अच्छा हुआ। XBHP का मीटअप में गया और टीम RPM ने मेरे को इनवाइट किया था तो उधर भी गया, बहुत ही अच्छा राइड हुआ, मैं बहुत इंजॉय भी किया हूँ। गाइस देखते रहे ट्रैवलिंग GS 47, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अच्छा लगे तो लाइक करना, और भी अच्छा लगे तो शेयर करना, लेकिन कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो कैसा हुआ। ओके सो गाइस, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे।